हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में बेहद इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है फाइलम प्लैटीहेलमिन्थीज एंड एस्कलमेन्थीज। ओके, तो दोस्तों आज हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वॉर्म्स। को जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक जो है कैटेगरी वॉर्म्स की क्या होती है, प्लैटीहेलमिन्थीज, और दूसरी कैटेगरी होती है एस्कलमेन्थीज। ओके, तो दोस्तों जैसा कि देखा जाता है कि प्लैटीहेलमिन्थीज और एस्कलमेन्थीज ये दो कैटेगरीज हैं वॉर्म्स की। तो देन इसमें जो है जो थोड़ा सा लेस डेवलप है वो कौन है, वो प्लैटीहेलमिन्थीज है, ठीक है। और जो एस्कलमेन्थीज होते हैं ये प्लैटीहेलमिन्थीज से थोड़ा सा क्या होते हैं, हाइयर डेवलप्ड होते हैं। कुछ कैरेक्टर्स, कुछ फीचर्स जो है इनमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। सो हम लोग उस डिफरेंस को भी समझ लेंगे, बट हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे किससे, प्लैटीहेलमिन्थीज से स्टार्ट करते हैं। सो आइए प्लैटीहेलमिन्थीज को स्टार्ट करते हैं, और इनको जो है हम लोग जो है क्या कहते हैं, फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, फ्लैट वॉर्म्स, मतलब कि ये क्या हो गए, इनकी जो बॉडी होती है वो चपटी होती है, ठीक है। इनकी बॉडी जो है क्या होती है, चपटी होती है, जिसके कारण जो है इनकी बॉडी क्या हो गई, फ्लैट हो गई, ठीक है। इस तरह से जो है ये क्या है, कीड़े हैं, ये क्या है, क्रीमी है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म्स, चपटे क्रीमी बोलते हैं। ओके, तो आइए हम लोग जो है इनके जो है कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला कैरेक्टर है, दे हैव डोर्सो वेंट्रली बॉडी, ठीक है। इनकी बॉडी क्या होती है, डोर्सो वेंट्रली होती है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि इनकी बॉडी जो है, ठीक है, अपर और लोअर सरफेस से जो है आपको क्या दिखाई देगी, डिफरेंट डिफरेंट की तरह जो है आपको दिखाई देगी। जैसे हम लोग क्या है, डोर्सो वेंट्रली है, हम लोग सामने से क्या है, हम लोगों का ये पेट दिखाई देता है, और पीछे से हम लोगों का क्या दिखाई देता है, बैक, पीठ दिखाई देता है, ठीक है। तो जब डिफरेंस ना हो तो वो आइसोबाइलेटरली होता है, जब दोनों सर्फेसिस में कोई डिफरेंस नहीं है तो वो क्या है, आइसोबाइलेटरली। बट अगर जो है दोनों साइड्स में, दोनों सर्फेसिस में डिफरेंस आ जाते हैं, देन हम उसको क्या बोलते हैं, डोर्सो वेंट्रली। ओके, सो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे। दे आर मोस्टली इंडो पैरासाइट्स इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। ओके, तो दोस्तों जो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, जो चपटे जो है क्रीमी होते हैं, वो क्या होते हैं, मेनली क्या होते हैं, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में भी हम लोग देखते हैं कि भैया इंडो पैरासाइट्स है या एक्टो पैरासाइट्स है। पैरासाइट्स तो आप लोग जानते होंगे, जब क्या होते हैं वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, होस्ट पे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए। ओके, सो ये इंडो पैरासाइट्स है, मतलब ये जो है टिश्यूज के अंदर रहते हैं, ठीक है। सो जिस तरह से हम लोगों की बॉडी के अंदर ये जाकर के न्यूट्रिशन लेंगे, ओके, देन ये क्या है, इंडो पैरासाइट्स हैं। जब बॉडी के बाहर ही, हमारे स्किन के थ्रू ही, बाहर से ही जो है अगर ये न्यूट्रिशन ले लें, देन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टो पैरासाइट्स। तो मोस्टली आपके जो प्लैटीहेलमिन्थीज हैं वो क्या है, इंडो पैरासाइट्स होते हैं। ओके, तो इस तरह से ये ह्यूमन बींग्स में भी इंडो पैरासाइट्स हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे प्लैटीहेलमिन्थीज के, जो हम लोगों की बॉडी में पाए जाते हैं, हम लोग उनके होस्ट होते हैं। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दे हैव हुक्स एंड सुकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म्स, मतलब कि जो प्लैटीहेलमिन्थीज है मोस्टली क्या होते हैं, प्लैटीहेलमिन्थीज जो है ये पैरासाइट्स होते हैं, बट कुछ आपको एग्जांपल ऐसे भी मिल जाएंगे जो फ्री लिविंग्स होते हैं। तो जो पैरासिटिक फॉर्म्स है प्लैटीहेलमिन्थीज का, इसमें, ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, हुक्स होते हैं और सुकर्स होते हैं। हुक्स मतलब, ठीक है, फंसाने वाला जो उनका हुक्स होता है, देन क्या होता है इनके पास, सुकर, सुकर मतलब चूसक। देन ये क्या करते हैं, किसी की दूसरी की बॉडी से जो है ये चिपकते हैं, हुक्स की सहायता से ये फंसा लेते हैं, ठीक है। और देन इनका जो चूसक होता है, जो सुकर होता है, वो क्या करता है कि दूसरे के बॉडी सरफेस से जो है उसका न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग जो है देख सकते हैं कि वो आपका जो जो लीच होता है, जो जोंक होता है, ठीक है, स्किन से हमारे सटता है, देन वो क्या करता है कि ब्लड को जो है सक करने लगता है, ठीक है ना। तो हालांकि जो है यहाँ पे जो है आपका लीच जो है वो एनलीट से बिलोंग करता है, बट एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग जो है इसको कह सकते हैं, देख सकते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सर्फेसेस।
बच्चों कुछ ऐसे प्लैटीहेलमिंथीज होते हैं जिनके पास सुकर्स या हुक्स नहीं है, फिर भी वो क्या करते हैं अपनी बॉडी को क्या करते हैं कि अपने जो है जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है इनको न्यूट्रिएंट चाहिए वो अपनी बॉडी को उससे चिपका देते हैं, ठीक है, केवल बॉडी को चिपका देते हैं एंड देन न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है आपने जो है ये कैरेक्टर भी देख लिया। अब आइए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और बेहद इंपॉर्टेंट जो है कैरेक्टर पे चलते हैं, प्लैटीहेलमिंथीज का। जी हाँ, बेहद इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि जो है BHU के जो है कंपटीशन में, या कह लीजिए कि नीट के कंपटीशन में या KVS के एग्जाम वगैरह में जो है ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है। जैसा कि वो कौन सा कैरेक्टर है आइए देखते हैं। दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड प्लैम सेल्स एंड दी सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। सो जो आपके जो है प्लैटीहेलमिंथीज है, फ्लैटवॉर्म्स, इनके पास जो है स्पेशल टाइप के जो है सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैम सेल्स कहते हैं। आप लोगों को लर्न रखना है ये फ्लैम सेल्स जो है केवल फ्लैटवॉर्म्स में ही पाए जाते हैं। और इनका फंक्शन क्या है, जी हाँ, ये कह सकते हैं आप लोग शॉर्टली इनको कि ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। ये फ्लैटवॉर्म्स के एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। एक्सक्रीशन मतलब आप लोग जानते होंगे रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ बॉडी, ओके। सो इस वर्क में जो है कौन इनका जो है हेल्प करता है, फ्लैम सेल्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हम लोगों को ऑस्मोरेगुलेशन में लिखा है, ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब हो गया वाटर रेगुलेशन में, ठीक है। सो इसमें भी हेल्प कौन करता है, हेल्प जो है फ्लैम सेल्स करता है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। दे आर मोनोशियस, ओके, दे हैव फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ओके। सो दोस्तों जो आपके जो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं वो मोनोशियस होते हैं। जी हाँ, मोनोशियस और डायोशियस जैसे टर्म्स क्लियर होने चाहिए आप लोगों को। मोनोशियस का मतलब क्या हो गया, मोनोशियस का मतलब हो गया बाईसेक्सुअल, मतलब कि कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके पास जो है मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं। बट डायोशियस का मतलब क्या हो गया, दे हैव द सेपरेट सेक्सेस, मतलब कि जिनके जो सेक्स है वो सेपरेट है, मतलब मेल अलग है फीमेल अलग है। जैसा कि हायर डेवलप्ड एनिमल्स में होते हैं, हम लोग क्या है, डायोशियस है, हम लोग यूनिसेक्सुअल हैं। डायोशियस मीन्स यूनिसेक्सुअल, और आपका मोनोशियस मतलब हो गया बाईसेक्सुअल, ठीक है। तो ये क्या है, ये मोनोशियस है, फ्लैटवॉर्म्स मोनोशियस, मोनोशियस का मतलब हो गया कि ये बाईसेक्सुअल होते हैं, ओके। इनका फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है, इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। आप लोग क्लास 10 में कभी पढ़े होंगे कि भैया फर्टिलाइजेशन दो तरह से होता है, आउट ऑफ बॉडी जो है फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे फ्रॉक्स वगैरह में होता है, और बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, देन ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, बॉडी के अंदर होता है, देन इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्लेटफॉर्म्स रखते हैं। देन डेवलपमेंट, इनके बॉडी का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट। तो बच्चों ध्यान देना चाहिए कि जब क्या होता है कि लार्वल स्टेजेस आ जाते हैं, जब लार्वा बनता है और देन जो है बॉडी फिर एडल्ट कंडीशन में चेंज हो जाती है, अगर उनके फीचर्स में, अगर उनके लार्वल कंडीशन में फीचर्स में डिफरेंसेस होते हैं, देन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, देन इस डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और जहाँ लार्वा नहीं होता है, जहाँ पे जो है उनका जो जो नया बेबी होता है, समझ रहे हैं, जब वो एडल्ट फीचर से जो है मिल रहा होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, डायरेक्ट होता है। जैसा कि हम लोगों में होता है, बहुत सारे होते हैं, बट अगर आप जो है फ्रॉक्स में देखेंगे तो डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि जो है वहाँ लार्वा होता है, टेडपोल लार्वा होता है, देन वो एडल्ट में जब बदलते हैं तो उनका फीचर चेंज हो जाता है, देन इस तरह से डेवलपमेंट क्या हो गया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। इस तरह बहुत सारे इंसेक्ट्स में भी होता है, कैटरपिलर भी लार्वा है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट क्या है, इनका डेवलपमेंट भी जो है इनडायरेक्ट है, दैट इज फ्लैट वॉर्म्स जो होते हैं वो एडल्ट कंडीशन में जाते हैं थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस, ओके। आइए हम लोग देखते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, सम ऑफ मेंबर्स ऑफ फ्लैट वॉर्म्स हैव द रीजनरेशन कैपेसिटी, ठीक है, कुछ फ्लैट वॉर्म्स के मेंबर्स मिल जाएंगे जिनके पास रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। जी हाँ, आप लोगों ने जो है क्लास 10th में एवोल्यूशन वाले टॉपिक में जरूर पढ़ा होगा, आई डेवलपमेंट में, आई के एवोल्यूशन में किसका एग्जांपल पढ़ा होगा, प्लेनेरिया का, ठीक है। सो प्लेनेरिया जो है वो एक फ्लैट वॉर्म होता है, ठीक है। सो रीजनरेशन
रीजनरेशन उसकी कैपेसिटी उसके पास होती है, ये भी आप लोगों ने जो है रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल में पढ़ा ही होगा। सो जी हाँ, इसके पास जो है कुछ ऐसे मेंबर्स प्लेटफॉर्म्स के मिलेंगे, रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, बॉडी उनकी स्प्लिट करके जो है फिर से जो है पैरेंट बॉडी की तरह जो है डेवलप कर जाती है, उनका हर पिच कर जाता है। आइए जेन्युइन कैरेक्टर्स पे चलते हैं जो कि हम लोगों को हर फाइलम में मिलने वाला है, फ्रॉम पोरीफर्स से लेकर के जो है आपको जो है कॉर्डेट्स तक देखना है, ठीक है। कुछ ऐसे सेलेक्टेड कैरेक्टर्स हैं उनको तो हमें हमेशा देखना है, जैसा कि आ चुका है हम लोगों का, दे आर bilaterally symmetrical, they are diploblastic, acoelomates animals with organ level body organization। मतलब हो गया कि जो आपके platyhelminthes हैं इनकी symmetry कैसी होती है, इनकी symmetry होती है bilateral symmetry। bilateral symmetry का मतलब हो गया आपका they have a single plane by which they divide into two equal halves। दे नॉट हैविंग मोर देन वन प्लेन्स, ओके। सो इस तरह से जो है इनकी बॉडी पे एक ही प्लेन होगा जहां से ये जो है दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिए जाएंगे। कहीं से भी ऐसा नहीं कि नहीं कहीं से भी उनकी बॉडी को कट कर दिया जाए तो इनकी बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, ऐसा जो है रेडियल सिमेट्री के केस में होता है, जैसा कि हम लोग पोरीफर्स में पढ़ करके आए हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ बायलेटरल सिमेट्री है। अच्छा, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी आप लोग पढ़े होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है कि इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में तीन लेयर्स होते हैं, ठीक है, इक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म्स, ओके। सो डिप्लोब्लास्टिक में क्या दो ही लेयर्स होते हैं, एक होता है एक्टो और एक होता है एंडोडर्म्स। सो आगे बढ़ते हैं, दे आर द एसिलोमेट एनिमल्स, जो प्लेटवॉर्म्स होते हैं एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। सिलोम से ये जुड़ा हुआ टॉपिक है, सिलोम मतलब ट्रू बॉडी कैविटी, अगर बॉडी कैविटी है तो वो सिलोमेट्स हैं, जैसे कि हम लोग हैं, समझ रहे हैं। तो ये ए सिलोमेट्स हैं, इनके पास जो है ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती है, सो ये ए सिलोमेट्स होते हैं। अच्छा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ऑर्गेन लेवल की होती है, समझ रहे हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कई तरह की होती है, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। सो इनकी बॉडी जो है कुछ मेंबर्स जो है टिश्यू लेवल के भी मिल जाएंगे, मोस्टली जो है ऑर्गन लेवल इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब कि ऑर्गन, एक ऑर्गन जो है एक फंक्शन को कर लेता है। अच्छा, जब कई ऑर्गन्स आपस में मिलकर काम करें तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, जो कि आगे फाइलम में आने वाला है। या हम लोगों में भी जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कई ऑर्गन्स मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं, देन एक सिस्टम जाकर के एक फंक्शन को करता है, ओके। तो यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल की है। आइए एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स हम लोगों को पता है ऑलरेडी, प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया आपका एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। फिर टीनिया सोलियम, टीनिया आप जानते हैं, इसको टेप वर्म बोला जाता है, टेप की तरह होता है, फीता क्रिमी इसको बोलते हैं, फैसियोला हेपेटिका ये लीवर फ्लूक होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सारे एग्जांपल्स हो गए, ओके। अच्छा बच्चों, अब हम लोग जो है वॉर्म्स की दूसरी कैटेगरी पे आते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस्केलमेंथीस बोलते हैं। आइए एस्केलमेंथीस को देखते हैं, जब हम जो है इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखते हैं, ठीक है, जब इनका हम जो है एक जो है ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, ठीक है, तो हमें कैसा दिखाई देता है, इनका जो है क्रॉस सेक्शन व्यू जो है राउंड दिखाई देता है, गोला दिखाई देता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जो है किसी चीज को काटते हैं, ऐसे ही अगर हम लोग जो है चाकू से इसको काटे, ठीक है, तो ये हमें कैसा दिखाई देगा, इसका क्रॉस सेक्शन व्यू हमें कैसा दिखाई देगा, राउंड दिखाई देगा। उसी तरह जो है एस्केलमेंथीज जो होते हैं, इनका क्रॉस सेक्शन व्यू जो है राउंड दिखाई देता है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड राउंड वॉर्म्स, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, राउंड वॉर्म्स कहते हैं। जैसा कि प्लेटीहेलमेंथीज की बॉडी जो है फ्लैट थी, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स, ओके। इसी तरह से जो है एस्केलमेंथीस की बॉडी कैसी होती है, राउंड होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड राउंड वॉर्म्स। आइए हम लोग जो है कैरेक्टर्स पे चलते हैं, कैरेक्टर्स का जो है डिस्कशन करते हैं। तो कैरेक्टर्स में जो है पहला, जैसे कि इनकी बॉडी जो है फ्लैट थी, देन इनकी बॉडी कैसी है, राउंड शेप्ड की है, ओके। सो ये राउंड वॉर्म्स होते हैं। इनके हैबिटेट की तरफ बढ़ते हैं, ये कह रहा है कि दे में बी फ्री लिविंग एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल और पैरासाइट्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। तो ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, ओके। देन ये एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक मतलब पानी में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है, सूखे जगहों पे भी रहते हैं, और इस तरह से ये पैरासाइट्स भी होते हैं।
फ्री लिविंग और पैरासाइट एक दूसरे के अगेंस्ट का कैरेक्टर होता है। ओके जैसे हम लोग क्या है, फ्री लिविंग है, हम लोग जो है भोजन के लिए किसी पे ये नहीं है कि पर्टिकुलरली हम डिपेंड है, हम लोग कहीं से भी भोजन ले सकते हैं, प्लांट से, एनिमल से, समझ रहे हैं, कई तरीके से। तो हम लोग किसी पे डिपेंड नहीं है कि नहीं है भैया हमको जो है इसी से जो है भोजन चाहिए, हम लोग जो है उसी से भोजन लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो इस तरह से ये क्या होते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स मतलब कि जैसे टोटली या कह लीजिए मोस्ट ऑफ जो प्लेटफॉर्म्स थे वो पैरासाइट्स होते हैं, बट ये क्या होते हैं कुछ मेंबर्स इनके पैरासाइट्स भी मिल जाते हैं। आइए देखते हैं, दे हैव अ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विथ मस्कुलर पैराइंस। ओके यहाँ पे जो है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल जो इनके डाइजेशन में हेल्प करने वाला है, जो कि फ्लैट वॉर्म्स के पास ऐसा करेक्टर नहीं था। ओके हुआ ना, तो इस तरह से ये हो गए ना, इनसे ज्यादा डेवलप एस्कलमेंथिस हुए ना। तो बहुत सारे ऐसे कुछ कैरेक्टर्स मिलेंगे जो आपको जो है ये बता देंगे कि कैसे जो है राउंड वॉर्म्स फ्लैट वॉर्म्स से ज्यादा डेवलप है, क्योंकि इनके पास कुछ एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा कैरेक्टर्स आ जाएगा इनकी तुलना में। सो इस तरह से जो है आगे बढ़ते हैं। अच्छा देख लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल इनका किसका बना हुआ है, मस्कुलर पैराइन से बना हुआ है, ये कैरेक्टर आता है आप लोग लर्न रखिएगा, मस्कुलर पैराइन से बना होता है। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव द बॉडी वेस्ट फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू द पोर। मतलब कि इसमें जो है एक ट्यूब होता है, क्या होता है ट्यूब होता है, और वो ट्यूब क्या करता है इनके एक्सक्रीटरी जो है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है थ्रू द पोर। बॉडी पे पोर होता है, ठीक है, तो ये ट्यूब जो है बॉडी की कैविटी से अंदर से जो है क्या करता है वेस्ट मटेरियल को लाता है, पोर पे छोड़ देता है, फिर पोर से जो है वो वेस्ट मटेरियल इनके बॉडी से बाहर आ जाता है। ओके नेक्स्ट जाते हैं हम लोग, देखते हैं दे आर डायोशियस। ओके अभी हम लोगों ने प्लेटफॉर्म देखा था मोनोशियस थे, ये क्या है डायोशियस होते हैं। डायोशियस मतलब फीमेल्स एंड मेल्स आर द सेपरेट, इनमें मेल और फीमेल क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग देख लेते हैं कि जो एस्कलमेंथीज होते हैं जनरली इनके केस में क्या होता है, फीमेल्स आर द लार्जर देन मेल्स। फीमेल्स क्या होती हैं, वो मेल से थोड़ा सा क्या होती हैं बड़ी होती हैं, हम लोग ऐसे ही पहचान लेंगे भैया एस्केलिस केस में जाएंगे तो फीमेल क्या होती है लंबी होती है मेल से। ओके आइए आगे बढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन इज सेम लाइक फ्लैट वॉर्म्स, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे भी जो है इंटरनल है जैसे कि फ्लैट वॉर्म्स से था। डेवलपमेंट थोड़ा सा जो है इनका जो है भैया डेवलपमेंट इनकी बॉडी का विकास थोड़ा सा वास्तव में डेवलप किया फ्लैट वॉर्म से, क्योंकि वहां तो डेवलपमेंट इनडायरेक्टली था, ठीक है, पहले लार्वल स्टेज देन एडल्ट, यहाँ पे जो है दोनों है, ठीक है, यहाँ पे लार्वल स्टेज है कुछ केसेस में, कुछ एस्कलमेंथीज में, लेकिन कुछ ऐसे एस्कलमेंथीज मिल जाएंगे राउंड वॉर्म्स मिल जाएंगे जहाँ पे डेवलपमेंट क्या है डायरेक्ट है, डायरेक्ट जो है हायर डेवलप्ड एनिमल्स का कैरेक्टर होता है, सो डायरेक्ट डेवलपमेंट कुछ में मिल जाएगा। आइए बेसिक फीचर्स पे चलते हैं, दे हैव बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री है भैया आप लोगों को याद रख लेना चाहिए, बायलैटरल सिमेट्री जो है सिलिंट्रेट से स्टार्ट है, पोरीफर्स के पास क्या था रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री पोरीफर्स सॉरी सिलिंट्रेट से स्टार्ट है, और अब जो कैरेक्टर्स डेवलप हो गए ठीक है वो कैरेक्टर्स पूरे फाइलम में आगे बढ़ने वाले हैं, तो बड़ा इजी हो जाता है अगर आप लोग दिमाग से याद करेंगे कि जो कैरेक्टर्स जिस फाइलम में जहां पर डेवलप हो गए अब वही कैरेक्टर्स डेवलप कैरेक्टर्स ही तो आगे जाकर के जनरेट होंगे आगे की जो है जनरेशन में, ऐसा नहीं कि वो जो है गायब हो जाने वाले हैं डिसअपीयर होने जाने, तो आप लोग दिमाग से चलते रहिए कि जो कैरेक्टर्स डेवलप हो चुके हैं वो सेम रहेंगे, जैसे कि फ्लैट वॉर्म्स बायलैटरल था यहाँ भी बायलैटरल है, फ्लैट वॉर्म्स ट्रिपल ब्लास्टिक था देन ये भी ट्रिपलो ब्लास्टिक है क्योंकि ये सारे कैरेक्टर डेवलप्ड है, ठीक है, तो ट्रिपलो ब्लास्टिक है। अच्छा ये जो ए सिलोमेट्स था अब ये क्या है स्यूडो सिलोमेट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी जो है नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या बीएचयू हो या केबीएस हो, ठीक है, ये भी पूछा जाता है क्योंकि यही फाइलम जो है स्यूडो सिलोमेट्स दिखाते हैं, तो ये स्यूडो सिलोमेट्स है, इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती है बट होती है फेक होती है झूठी कैविटी होती है, ठीक है, जिससे ये क्या होते हैं स्यूडो सिलोमेट्स होते हैं। ओके आइए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल है भैया, फ्लैट वॉर्म्स ऑर्गेन लेवल के थे, ठीक है, पोरीफर्स क्या सेलुलर लेवल के थे, सिलिंट्रेट्स जो है टिश्यू लेवल के थे, अभी फ्लैट वॉर्म्स जो है हम लोगों ने पढ़ा किस लेवल के हैं ये आपके ऑर्गन लेवल के हैं, और जो एस्कलमेंथीज है ये ऑर्गन सिस्टम लेवल के हैं, हो भी क्यों ना, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भैया एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है सिंपल ही है बट है, तो जब सिस्टम है तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। ओके आइए कुछ एग्जांपल्स डिस्कशन करते हैं हम लोग, एस्कैरिस इसको हम लोग राउंड वर्म बोलते हैं,
ओचेरिया जिसको हम लोग फाइलेरियल वर्म बोलते हैं, जो कि फाइलेरिया कॉज करता है, एलिफेंटियसिस जो डिजीज होती है हाथी पांव, वो इसी के कारण होता है। और नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोगों के पास एनसाइक्लोस्टोमेटा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हुक वर्म कहते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट फाइलम के बारे में डिस्कशन करेंगे।